जरा सोचो, भगवतीय कार्य में तुम साधारण सामाजिक कर्म में भी जाते हो, किसी के विवाह इत्यादि, गांव में विवाह शादी हो रहा है तब भी तुम अपना हाथ बटाए देते हो, और आज परमात्मा का यहाँ जन्म हुआ, कल यहाँ फिर विवाह होगा, इससे बड़ा उत्सव और अवसर जीवन में तुम्हें कब मिलेगा, कब आएगा? अगर प्रत्यक्ष भागीदारी न रहे तो याद रखना, इस दुनिया में बिना शुल्क के तो भगवान भी नहीं मिलते। कौन कहता है भगवान बिना शुल्क के मिलते हैं? साबित करो, मैं शास्त्रों से साबित करता हूं, बोलो। बस सबरी को कैसे मिल गए महाराज और जूठा बेर खा गए? अरे सबरी के तुम 100 मिल पाओगे? सबरी की इतनी बदनामी हुई उस जंगल में, उस वन में, सारे जितने भी ऋषि मुनि थे उस समय के सबरी से जलते थे। उनके गुरु मतंग ऋषि के ऊपर में कैसे कैसे आरोप लगाए गए कि बताओ सबरी के साथ रहता है, महिला के साथ रहता है, बड़ा गुरु घंटाल बना हुआ है। जिन सबरी के नाम लेकर के बड़ी सबरी सबरी राम राम किए जा रहे हो, उनके थोड़ा डार्क को भी देख लेना। उस समय की उपस्थित लोगों के हृदय में उनके प्रति कैसी धारणा थी। जिस अयोध्या का नाम लेते नहीं थकते, उसी अयोध्या के लोग सीता के चरित्र के ऊपर शंका किए थे, लंका के लोगों को शंका नहीं था। लंका में सब जानते थे कि जानकी जैसा पवित्र और जानकी जैसी देवी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, परंतु अयोध्या के लोगों ने ही शंका जारी कर दिया था महाराज। इसलिए बहुत ज्यादा छाती तान के घूमने की जरूरत नहीं है। शास्त्र इसीलिए बनाए, शास्त्र किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के प्रकाश के लिए नहीं लिखा जाता। शास्त्र लिखने का एकमात्र अर्थ होता है धर्म संस्थापनार्थाय। किसी विशेष व्यक्ति के सद्गुण और दुर्गुण के लिए शास्त्र नहीं लिखा जाता, किसी मनुष्य के ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र नहीं लिखा जाता। अरे मैं तो कहूं राम और कृष्ण के भी ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र नहीं लिखा गया है। अगर भगवान राम और कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र लिखे जाते तो उनके ये सीता परित्याग की घटना को छिपा दिया जाता। अगर यही होता तो जिन चीजों पर बार बार सवाल उठते हैं, लिखने वाले तो अपने ही लोग थे, बाबा जी ही लोग थे, स्वामी जी थे, गोस्वामी जी थे, वाल्मीकि थे, नहीं लिखते। लेकिन ग्लोरिफिकेशन करना किसी व्यक्ति का जिम्मा शास्त्र के ऊपर नहीं होता है। शास्त्र सदा से शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए लिखी जाती है। इसीलिए मैंने कल तुम्हें कहा था युधिष्ठिर के बारे में लिखा गया है कि वो धर्मराज हैं, तो युधिष्ठिर के बारे में ये भी लिखा गया है कि जुआ खेल करके अपनी पत्नी हार गए थे बड़ी सभा में। नहीं हारते तो इतनी दुर्गति नहीं होती, छुपा दिया जाता। शास्त्र तो हम लोगों ने लिखा है। जो भगवान पर भरोसा करते, भगवान के परम भक्त हैं, उन लोगों ने लिखा है। ये कोई विधर्मी तो आकर लिखा नहीं, इसको लिखने की क्या जरूरत थी, इस चरित्र को छुपा गए होते। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपनी कहानी लिखेगा तो जितने ब्राइट पक्ष हैं उतने लिखता है, डार्क कौन लिखता है बताओ? कौन लिखता है अपने डार्क पक्ष को? डार्क बोलते तक नहीं लिखोगे क्या? अपने घर में पति पत्नी से नहीं बोलती, पत्नी पति से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, रिश्तेदार से अपने डार्क को नहीं बोलता, नेता जनता से नहीं बोलता, जनता नेता से नहीं बोलती। कौन है जो अपने डार्क पक्ष को सामने रखता है, अंधेरे पक्ष को सामने रखता है, काले पक्ष को सामने रखता है, बुरे पक्ष को सामने रखता है, गंदे पक्ष को सामने रखता है? कौन है? नो वन हियर, कोई नहीं है। लेकिन जरा देखो भारतीय शास्त्रों की महिमा और गरिमा, इनकी महानता को देखो। जो लोग शास्त्रों के ऊपर उंगली उठाते हैं उनको इतना भी मालूम नहीं कि अगर ये न लिखा गया होता तो तुम पढ़ भी कहां से पाते। कभी किसी व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन के लिए कोई शास्त्र आज तक, रामचरितमानस राम जी का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए नहीं लिखा है, धर्म की स्थापना करने के लिए लिखा गया। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना हो, महाभारत इसलिए लिखी गई है कि धर्म की स्थापना हो, शिव महापुराण इसलिए लिखा गया है कि धर्म की स्थापना हो, देवी महापुराण इसलिए लिखे गए हैं धर्म की स्थापना हो, हनुमान चालीसा इसलिए लिखा गया है धर्म की स्थापना हो। इसलिए जब श्री कृष्ण की लीला लिखी गई
और श्री कृष्ण की लीला समझाई जा रही है तो श्री कृष्ण पर ब्रह्म है पहले ये जान लेना जरूरी है। और इसीलिए चार दिन लगा कि श्री कृष्ण ब्रह्म है। नारायण के नाभि कमल से निकले हुए ब्रह्मा ने अपने छाया से करदम इत्यादि को जन्म देकर मनु सतरूपा को जन्म देकर के सृष्टि किया, समझ गए। तो अब नारायण तत्व की अगर विवेचना नहीं कर पाओगे तो श्री कृष्ण को माखन चुराते, साड़ी चुराते, चीर चुराते, झूठ बोलते यही देखोगे। और अपने भी इतने छोटे से बच्चे को कृष्ण की तरह सजा के कहा मेरा भी गोपाल है, गोपाल नहीं भोपाल है, गैस कांड है, भोपाल का गैस कांड है। मनुष्य ईश्वर नहीं होता, ईश्वर की ईश्वरता को पहले स्वीकार करो, फिर किसी पांडाल में बैठ करके श्री कृष्ण लीला का श्रवण करो। बात अच्छी है कि हम कण कण में भगवान देखते हैं, पर इतना ज्ञान भी तो होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, तुझ में मुझ में बस भेद यही है, हम नर हैं तुम नारायण हो। ये वेद की दृष्टि अगर नहीं होगी, दास और स्वामी की दृष्टि अगर नहीं होगी तो श्री कृष्ण लीला का आस्वादन आप नहीं कर पाओगे।